ऐसे आप भी सर्च करो यूएसए रिपोर्टिंग ब्लॉग और सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो। अरे वाह भाई वाह, शुरू से एंड तक बने रहना ब्लॉग में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वाली क्या हो? साथ में रह के अलग अलग चीजें फोन कर रहे थे। साथ में रह के अलग अलग इसलिए फोन करते हैं कि मैं इधर था, ये उधर था, वो उधर था। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक। कहाँ जा रहे हो? अभी जा रहे हैं गाइस, हम लोग दूसरे विदेश जा रहे हैं वैसे तो, लेकिन बताएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल तो पता नहीं है लेकिन कहाँ जा रहे हैं, सर लोग बताएंगे आपको। कहाँ जा रहे हैं नहीं बताइएगा लेकिन। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं क्या बोलूँ, जा रहे का मुझे भी कर रहा है लेकिन पैसा गरीबी आदमी यार, गजब बेइज्जती। दान पुण्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए ये आपको थोड़ा दिया जा रहा है, क्योंकि क्या कर ध्यान दीजिएगा इसको, चढ़ा दीजिए अमित और हमारे सब सब की ओर तरफ से, पूरा सत्यम छात्रावास, सत्यम छात्रावास की ओर से। हां सर, सर आप इसको आप लोग के गाइस चढ़ा दीजिएगा दान। ये और मेरे तरफ से भी, सर की तरफ से भी थोड़ा सा, कैमरामैन घूम के आ जाते। सर इनकी जर्नी के बारे में आप दो शब्द बोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ यार के लोग अच्छे से घूम के आए और वहाँ के जितने भी अच्छी जगह है उसको, उसके बारे में जाने, उसको अच्छे से पहचाने और हमारी संस्कृति जो है उसको हमेशा बचा के रखना चाहिए। और संस्कृति जहाँ से भी मिले उसको पहचानना चाहिए यहाँ के। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे आने वाले भविष्य अपने धर्म संस्कृति अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, बस मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। सो गाइस, रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए हैं, हमारा सबसे पहला स्टॉप यहीं होगा अभी फिलहाल। लगभग 20-30 मिनट वेट करना पड़ेगा, 20 मिनट 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आधा घंटा तो वैसे लेट हो चुका है, मतलब ट्रेन लेट हो चुका है हम लोग ने। कम से कम 10 बार फोन कर दिया ना, अलग अलग 5 मिनट में दोनों अल्टरनेट फोन कर रहे हैं। अभी फिलहाल रायपुर रेलवे स्टेशन मिलते हैं आकाश से और निखिल से और आकाश के भाई से, जो कि पता नहीं कब से परेशान हो रहे हैं, 10-20 बार फ़ोन कर चुके हैं पागल लोग जैसे। आने दो उनको, बताते हैं। यही वो लड़के हैं, यही जो कि नहीं तो भी कम से कम 10 बार से फ़ोन किए होंगे। दोनों अल्टरनेट अलग अलग फोन कर, पहले ये फिर ये साथ में रह के अलग अलग इसलिए फोन करते हैं कि मैं इधर था, ये उधर था, वो उधर था। चलो लेके आते हैं। रिकॉर्डिंग हुआ है, कहाँ जा रहे हैं? क्या मैं घर जा रहा हूँ? नहीं घर जा रहा हूँ, नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तू तो कल बोल रहे थे क्या कि रखा हूँ करके? नहीं 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 रखा, ये सीक्रेट टॉक्स है गाइस।
और ये आप लोग के लिए नहीं है, और ये अंडर एज छोटा भाई अंडर एज नहीं। और ये हम Six hours later, several bad puns later. First time in train में. देखना कहाँ कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे? First time in train. Oh ho. Putting. आकाश. Hello. Putting. चलो. ठीक है guys, मिलेंगे आपको आगे. अभी फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं रायपुर से. मिलाते हैं आपको नदी से. वो चढ़ेगा कहाँ? दुर्ग में. ठीक है, दुर्ग में चढ़ेगा. उसके बाद मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए फिलहाल जो सीनरी है उसको एंजॉय करिए. वैसे तो ट्रेन बहुत बहुत धीरे चलेगा, बैलगाड़ी बोल चुके हैं घर वाले. ठीक है, देखते हैं बैलगाड़ी की सवारी कैसे करते हैं. तब तक अपडेट करेंगे आपको. ठीक है, गजब बेइज्जती है. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. अभी पहुंच चुके हैं कहां? दुर्ग. और आ रहे हैं वैसे तो. आने दीजिए, मिलाते हैं उसके बाद आपको. एक और कंटेस्टेंट आने वाले हैं. डे 1 का 2 डालना. तो गाइस देखिए क्या आ रहा है. अपने पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया है डे 1 का ब्लॉग डालने के लिए. तो स्टे ट्यून. अभी तो फिलहाल देखो टाइम क्या हो रहा है. 5:40. ठीक है, ये देखो. और मिलाते हैं आपको. ठीक है, यही क्लिप जाएगा. वैसे क्या बोल रहा था पता है? हमारे गड्ढा साहब बहुत दूर से फोन क्यों उठाता है बताइए तो. फोन क्यों उठाता है? नहीं तो आप तो साथ में थे क्या? अभी भी बिजी आ रहा था, प्लेटफॉर्म में था तब भी. आप लोगों से किसी से नहीं? नहीं, अपने लोग से बात नहीं करता है भैया. हम लोग से हाँ यार, कुछ ओटीपी पे भेजो और इसका कॉल वॉल रिकॉर्ड करो यार. हाँ कुछ बहुत ज़्यादा कर देता है आदमी. 365 दिन 24 घंटा ओवर रहता है, बिजी रहता है, पता चल रहा है. बम्लेश्वरी के यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं. अभी उतर तो नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग को दिल्ली जाना है. तो माँ बम्लेश्वरी का दर्शन दूर से करते हुए फिलहाल हम लोग को दिल्ली निकल रहे हैं. 1 किलोमीटर भी नहीं है. पूरा लगा ही हुआ माता बम्लेश्वरी. सबसे ज्यादा मान्यता वाला मंदिर है. जो भी छत्तीसगढ़ के आस पास के यहाँ जरूर आइएगा. और नवरात्रि में आएंगे तो इतना अच्छा मेला लगता है कि मतलब आपको आनंद आ जाएगा. और यहाँ से जो आप मांग के जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली पूरा हो जाएगा अगर अच्छा चीज मांगेंगे तो. और ये भी है कि यहाँ नवरात्रि में बारिश होता ही होता है. और ये भी बात है ना, हाँ, और रात भर आपको ना चढ़ने के लिए पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलता, इतना भीड़ होता है. सोचिए अभी तो यहाँ बहुत खाली है. जब पिछले बार आए थे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था. और माँ बम्लेश्वरी आपको यहीं दिख जाएंगे. फिलहाल तो रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, आपको आगे जाते जाते दिखाएंगे. सुनिए है ना. ये डोंगरगढ़ पहुंच चुके हैं. अच्छा, क्या कर रहे हैं देखो.
कमलेश्वरी माता की छोटी बहन माँ। अरे ये पता है ये नया नया बना था ना तो बहुत मस्त दिख रहा है, अभी थोड़ा सा वो दिख रहा है। आँखों से दिख रहा है बस, पता है कैमरा में नहीं आ रहा। Few inches later, day two. तो ये अभी हम लोग का नाश्ता होने वाला है, तो पकड़ यार। और मैं अभी रिव्यू दूंगा। रिव्यू देने वाले बैठे हैं। एक नंबर। भाई साहब। स्वान आ गया। अच्छा है भाई। इसका चाट लिया। लेकिन देख के तो मैगी टाइप दिख रहा है भाई, बड़ा खतरनाक, सही बता रहा हूँ। Oh my God, अच्छा है कि नहीं? एक नंबर। सही। सच्ची अच्छा है। खा लेगा राइट हैंड से खा, खा लेगा उतना भी हाथ वो नहीं हुआ। टेस्ट पता कैसा? टमाटर 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 बट अच्छा जसपुर वाले को टमाटर अच्छा लगता है क्योंकि टमाटर राज है। हमारा पूरा टमाटर ही एक बार में खा लिया। देखते हैं बताते हैं। छिलका नहीं खा लूंगा गाइस, मैं टमाटर का छिलका नहीं खा सकता, किडनी स्टोन का शिकायत है। आप लोग भी मत खाइएगा जिसको किडनी स्टोन है, बाकी खाइए। तो गाइस जिसको अंग्रेजी नहीं आता है उसको हम हिंदी बता देते हैं, जिसको पथरी का शिकायत है ठीक है, पानी ज्यादा पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए और टमाटर कम खाइए, मतलब खावे मत करिए सीधा बात। और पालक वालक में पालक वालक नहीं खाना है, भाजी वाला सब्जी। अच्छा, आयरन का मात्रा नहीं खाना है, नशा पानी भी नहीं करना है। अच्छा, बियर पी सकते हैं और विस्की? विस्की नहीं पी सकते। विस्की इसकी नहीं पी सकते, बियर पी सकते हैं और बाकी गुटखा नहीं खाना है। जैसे कि एग्जांपल नहीं, एग्जांपल नहीं है हमारे पे, हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है। अभी अभी जो भी है वो हम ही है ठीक है, तो जितना बताया है उतना करना है, बाकी जो नहीं बताया वो तो करना ही नहीं है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो अभी अपन नागपुर स्टेशन में खाना खाना पैक कराने के लिए उतरे हैं और 20 मिनट का स्टॉपेज होता है, लेकिन अभी सीन ये हो गया है कि लेट है ट्रेन, तो शायद कम स्टॉपेज है। और अभी पहले हम लोग को हल्दीराम खोजना है, कहाँ पे हल्दीराम पता नहीं, वो खोज के अपन को जाके चेक करना पड़ेगा जल्दी पैक भी हो रहा है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं हल्दीराम में, वहीं मिलते हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ, बहुत बड़ा स्टेशन है। अरमान बात करते करते नागपुर आ गया, पता नहीं चला ना भाई ये कैसा स्टेशन है, भगवान जाने इतना बड़ा स्टेशन है, इतना बड़ा स्टेशन है, खाने का कुछ नहीं है, समोसा बड़ा छोड़ के। एक वो नैवेद्य का होटल है, उसमें बस क्या कहते हैं आपका रोटी की थाली है, उसमें सिर्फ रोटी और राइस ले सकते हो आप बस, और सब्जी भी नहीं है, दाल है, दाल बस है, मतलब दाल और चावल आप खा रहे हो ना। एक जो नॉर्मली 40-50 घंटे से ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, 40-50 रुपए का आता है नॉर्मली दाल और थाली, मतलब सॉरी दाल और चावल, यहाँ 200 रुपए ले रहे हैं और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कुछ नहीं खा सकते आप उसके अलावा। बिहेवियर तो इतना बेकार है कि पूछो मत। चार बार मेन्यू मांगने पे मेन्यू दे रहे हैं भाई, क्या चीज़, कितना बड़ा स्टेशन है ये, शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन होगा मुंबई मुंबई के बाद नागपुर, लेकिन कुछ नहीं है भाई बाहर, कुछ था इसके बारे में देख लिया आज, बाहर कुछ होगा तो नहीं पता लेकिन अंदर तो सब साफ सफाचट है। बस एक ही दो चीज़ अच्छा लगा, ये ओवर ब्रिज, ये बहुत प्यारा व्यू है, ये ओवर ब्रिज देखो भाई क्या सेक्सी दिख रहा है। बाकी बहुत सारा ट्रेन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ठंड भर का खाना है। चलो ठीक है, देखते हैं क्या मिल रहा है, सही काम हो रहा है हमारा। आओ पीस आउट। चप्पल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट, हम फर्स्ट, गाड़ी चला, नेक्स्ट लेवल सर्विंग आपके लिए, काम बहुत अच्छा है। तो गाइस ये नए लेवल का सैंडविच हाथ में दिख रहा है, निकाल रहा था पेटी से, बहुत था क्या बोलूं यार, नए लेवल का सैंडविच ये आदमी उसमें क्या नहीं करता, ये हमारा देसी सैंडविच हाथ में कैसे ले जाएंगे, इतना गुस्सा है ना कि खा के आया उसे उसके सही सही में कैसे ऑर्डर कर दिया ये। तो गाइस एक छोटा चोचला हो चुका है जिसका कांड करता कौन है हमको कुछ पता नहीं है, बस हो गया तो हो गया। जुम कर। ये
अचार विथ मिक्सचर एंड टू ब्रेड। ओ भाई कांड करता है। गुड टेस्ट, ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है। नया सैंडविच आज का नया स्टार्टअप और इसमें स्टार्टअप आ गया। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा है भाई, जब खुद बनाया तो अच्छा ही होगा। अरे तो पहले ठीक है, आज का अभी का तो यही हो गया, मस्त जुगाड़ यही होता है पता है। भाई शैतान लोग का खाना चालू हो चुका है यार। क्या दो यार कुछ चीज ऊपर भेज दियो, कुछ दे नहीं रहो। कैसे हाथ नीचे कर रहे हो भाई, उसको कहाँ रखूँ यार? गाइस यहाँ फोन रखा जाएगा। बहुत प्यार से खा ले रहे हैं अभी फिलहाल तो। पता है सुनना गाइस, ये इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड है, दुबई से आए थे, ये लेके आए दुबई गए थे ना। नए नए जब कोचिंग के लिए गए थे तो पूरी के साथ कुरकुरे खाए थे पता है। दे तो का देखो गाइस, मेरे को लगा था ना केक टाइप वैसे वैसे वाला होगा, ये तो बिस्किट टिक गया। सुपरमैन का सुपर कुरकुरे देख रहे हो, देख रहे हो घर वालों कैसे दिखा रहे हैं। हाँ लग तो रहा है, मेरे को भी लग रहा है। चलो ठीक है खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तब तक के लिए अच्छा खाना खाने टाइम ना, खाना खाने टाइम मिलेंगे आपको दोबारा। तब तक के लिए कुरकुरे एंजॉय कर रहे हैं, मिलेंगे बाद में। देखो बगल में फल्ली भी रखा हुआ है, वैसे फल्ली तो खाना नहीं चाहिए क्योंकि गर्मी है तो नहीं खाएंगे ज़्यादा, उसको रखे रहेंगे अभी कुरकुरे। इंस्टेंट रिकवरी हो रहा है। तो इंडियन रेलवे के द्वारा इंस्टेंट किया गया कम से कम काम, भले ही वो बना नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स तुरंत आया। ठीक है रिस्पॉन्स तुरंत आया, ज़्यादा नहीं काम था, हम लोग को बहुत पसंद आया। और ऐसे ही भारतीय रेलवे काम करते रहे, ये आदमी बता रहा हूँ आप लोग को, खबर देने नहीं देते, बीच बीच में टोकते रहते, ऐसा नहीं हो। अरे यार चलो कोई बात नहीं, भारतीय रेलवे बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 मिनट वेट किया होगा, 20 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, 10 से कुछ मिनट ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो लोग तुरंत आके चेक किए और वो लोगों ने बताया कि ऐसा रॉकेट का प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ 10 मिनट 20 मिनट तक रेगुलर आते रहता है उसमें करंट, उसके बाद कुछ देर के लिए बंद होता है ऑटोमेटिकली। तो ये समाधान मिला गाइस हम लोग को, ठीक है अब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इंडियन रेलवे को। ठीक है केस सॉल्व। अरे वाह भाई वाह।